अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू प्लैनेट क्रेविंग और मैं हूँ शुमाइला आदम। आज बनाने वाली हूँ बहुत ही आसान सा देगी कोरमा मसाला। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग रेसिपी है। इस वीडियो को आप एंड तक देखें, पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो चलते हैं रेसिपी की तरफ। देगी कोरमा मसाला बनाने के लिए मैंने यहाँ पर लिया है 1/2 टीस्पून काली मिर्च, ये होल काली मिर्चें हैं, 1 टीस्पून जीरा, 4 लौंगे, ये 2-2 इंच के 2 दालचीनी के टुकड़े, 2 बड़ी इलायची, 4 छोटी हरी इलायची। इसके साथ यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ 1 टेबल स्पून अनारदाना, 1 टेबल स्पून खोपरा, ये पिसा हुआ खोपरा है जिसे अक्सर लोग खोपरे का बुरादा भी कहते हैं। 1 टेबल स्पून है मेरे पास धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून पेपरिका पाउडर, इसकी जगह पर आप कश्मीरी लाल मिर्च भी यूज कर सकते हैं, ये कलर के लिए इस्तेमाल की जाती है, इसमें तीखापन नहीं होता। 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर और 1/4 टीस्पून मैंने यहाँ पर लिया है जायफल जावित्री का पाउडर। अगर आपके पास होल जायफल जावित्री हो तो आप आधा आधा उसका फूल यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। और यहाँ पर मैंने लिए हैं 2 से 3 बे लीव्स तेज पत्ते। अगर आपके पास बड़े साइज के हैं तो आप एक ही ले लें, मेरे पास छोटे साइज के थे तो मैंने ये इस तरह से 2 लिए हैं। 5 लौंगे और 5 ही इलायची जो हम पीसेंगे नहीं बल्कि पीसने के बाद मसाले में ऐड करेंगे। तो चले अब इसकी तैयारी करते हैं और हम करेंगे इसे ग्राइंड। बहुत ही बारीक साइज का पाउडर बनाएंगे। तो ये जो हमारे पास सबसे पहले बारीक मसाले हैं इनको पीसेंगे। ये जो होल स्पाइसेस है सबसे पहले इनको पीसेंगे। इसे आप खोल कर चेक करें, अगर ये बिल्कुल एक अच्छा पाउडर बन चुका है तो यहाँ पर आपका ये मसाले पिस चुके हैं। इसमें हमने अब ये खोपरा, धनिया पाउडर, पेपरिका पाउडर, लाल मिर्चों का पाउडर और ये अपनी जायफल जावित्री को डाल के बस थोड़ा सा इसको हमने मिक्स कर देना है ताकि बहुत अच्छा सा एक फाइन पाउडर हमारा रेडी हो जाए। तो आप देखें कि ये देगी कोरमा मसाला हमारा पिस चुका है पूरा। और ये जो अब हमारे पास 5 लौंगे इसमें डालेंगे, 5 इलायची इसमें डालेंगे और इनको हम तेज पत्तों को इस तरह से छोटा छोटा पीस के, आपने देखा होगा जो पैकेट से हम मसाला लेते हैं उसमें भी इस तरह से ये छोटे छोटे डले हुए होते हैं। और इसे अच्छे तरीके से आप मिक्स कर लें। तो ये देखें कि हमारा देगी कोरमा मसाला बिल्कुल रेडी है। इसमें हमने नमक ऐड नहीं किया। नमक हम जब भी कोई सालन, कोरमा, मटन, चिकन जब भी बनाएंगे अकॉर्डिंग उसके हम नमक इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पर हमारा ये देगी कोरमा मसाला बिल्कुल रेडी है और अब मैं इसे एयरटाइट कंटेनर में रखकर अप टू 2-3 मंथ्स जब तक आपने ये इस्तेमाल करना आप करें। और ये मसाला 1 kg गोश्त के लिए पूरा प्रिपेयर है। आप चाहे आधा किलो बनाना तो इसका आधा इस्तेमाल कर लें, अगर आप 1 kg का कोरमा बना रहे हैं तो आप इसको पूरा इस्तेमाल कर लें। तो यहाँ पर रेडी है हमारा देगी कोरमा मसाला और मैंने इसे एयर टाइट कंटेनर में रख दिया। अब मेरा जब दिल करेगा मैं इसे इस्तेमाल करूंगी। तो इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन के बटन पर जरूर क्लिक करें ताकि इससे आपको मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। सो नेक्स्ट वीडियो तक इजाजत, अल्लाह हाफिज़।